Hello friends, as we discussed our 6 illustrations in the last videos, now we are going to discuss illustration number 7, yani ki next sum hamara. Dekhte hai for flexible budget. Good Luck Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operations were 55% and 65% respectively. Presently, the production is 75,000 units. The company is planning for 85% capacity level during 2005-06. The cost details are as follows. My dear friends, हम यहाँ पे currently 75% capacity पे काम कर रहे हैं. Last 2 years की अगर बात करें तो हम 55% and 65% capacity पे काम कर रहे थे. बस इतना देख के बाकी के students क्या करेंगे, फटाफट से बना देंगे 55%, 65%, 85%. लेकिन my dear friends, हमें यहाँ पे ये देखना रहेगा, ठीक से ये सम को पढ़ना रहेगा कि भाई इसके अंदर क्या लिखा है. Now देखते हैं, हमें आगे की cost details दी गई है, देख लेते हैं. 3 साल का डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया है एट 55% कैपेसिटी 11 लैक्स, 13 लैक्स एंड 15 लैक्स एट 65% एंड 75% रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं. वैसे ही हमें डायरेक्ट लेबर दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया गया है, सेलिंग ओवरहेड्स दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें दिया गया है. माई डियर फ्रेंड्स, ऊपर हमें यहाँ पे बोल दिया गया है कि 75% कैपेसिटी पे हमारा जो प्रेजेंटली द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स है वो कितना है, 75,000 यूनिट्स का दिया गया है. इट मीन्स दैट कि 75% कैपेसिटी पे अगर हमारा प्रोडक्शन 75,000 यूनिट्स का है तो 65% और 55% पे कितना होगा, दैट वी कैन फाइंड इजीली, यानी कि 65,000 एंड 55,000 होगा. नेक्स्ट, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स. हमारा नॉर्मली क्या रहता है कि हम 20% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स के ऊपर. इट मीन्स दैट कि अगर मैं 100 रुपये का सेल्स करता हूँ तो उसके ऊपर मेरा 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए. इट मीन्स दैट कि माई डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो भी कॉस्ट मिलेगी वो हमारी 80% के बराबर होगी और उसको हमें क्या करना होगा, जो भी टोटल कॉस्ट आएगी डिवाइड बाई 80% कर देंगे तो हमें सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा और डिवाइड बाई 80 × 20 करेंगे तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा. आइदर हम यहाँ पे वो स्टेप रख सकते हैं कि भाई अगर 100 पे 20 है, यानी कि 20 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो मेरा 100 रुपीज़ का सेल्स होना चाहिए, तो 80 रुपीज़ की मेरी कॉस्ट होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे 20/80 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई ऑन कॉस्ट हमारा 25% रहेगा. वो लास्ट में देखते हैं. द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर. हमें यहाँ पे बोला है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी इंक्रीज होने वाली है. डायरेक्ट मटेरियल 8%, डायरेक्ट लेबर 5%, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 5%, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 8%, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 10%, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स 15%, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% एंड प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 85% कैपेसिटी फॉर द ईयर 2005-06. हमें यहाँ पे 85% कैपेसिटी के लिए बजट प्रिपेयर करना है और इन सारी चीज़ों को कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंक्रीज कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर करना है. तो देखते हैं किस तरह से होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगा देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना कितना होगा. फाइन, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है, 8% सर कॉस्ट में इंक्रीज़ हुआ है. तो सर पहले तो ये तो आइडेंटिफाई करें कि 85% कैपेसिटी पे हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर, 75% कैपेसिटी पे मुझे दिया गया है 15 लाख रुपये. तो अगर 75% पे 15 लैक्स है तो 85 पे कितना होगा, तो इंटू 85 डिवाइड बाई 75 अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे सिंपली मिल जाएगा 17 लैख. लेकिन सर मैं 17 लाख को डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें 8% का इंक्रीमेंट भी करना बाकी है. तो हमारा फिगर आ जाएगा 18,36,000. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख लेते हैं 18,36,000 हमें दिया है कि नहीं दिया है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स की डायरेक्ट मटेरियल जो भी है वो 18,36,000 हमें यहाँ पे दिया गया है. वैसे ही डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें तो डायरेक्ट लेबर का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है, तो वो हमारा हो रहा है 5%. मतलब लेबर हमारे पास कितने थे, 7,50,000 थे. तो 7,50,000 फॉर 75%, तो 85 पे कितना होगा, तो सर हमारा टोटल आएगा 8,50,000. अब उसके अंदर मुझे इंक्रीज़ करना है 5%, तो मैं उसके अंदर 5% को अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरा टोटल जो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा वो कितना आएगा, 8,92,500 आएगा. यहाँ पे हम वर्किंग देख सकते हैं उसकी, 8,92,500 होगा हमारा टोटल लेबर. नेक्स्ट मुझे दिया गया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सर 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए. ओके, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया गया 3,50,000. फाइनली अब तो 3,50,000 है वो 75 पे है तो 85 पे कितना होगा. तो हमें यहाँ पे सिंपली यही स्टेप लगाना होगा कि भाई 3,50,000 जो भी है वो 75 के लिए, तो 85 पे कितना होगा. तो सर हमारा फिगर यहाँ पे कितना आएगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना रहेगा कि इसके अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 5%, तो यहाँ पे जो हमें दिया फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बस इतना ही दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि जो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए हैं 3,10,000, 3,30,000 एंड 3,50,000, तो उसमें आप देखोगे तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है सर, 20,000 से ही इंक्रीज़ हो रहा है। ओके फाइन, वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स पोर्शन भी होगा और वेरिएबल पोर्शन भी होगा। यस, तो सर हमें यहाँ पे उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि भाई कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमें दिए गए वो कितने हैं, 75% की अगर बात करें तो 3,50,000 है, और 65% की अगर बात करें तो 3,30,000। मतलब सर 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 20,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो 10% के बराबर है। और यूनिट्स में कितना डिफरेंस आएगा, तो सर उसमें आएगा 75,000 और 65,000 का डिफरेंस, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब अगर आपका प्रोडक्शन का यूनिट 10,000 से इंक्रीज़ होता है तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी वो 20,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब 20,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि आपका वेरिएबल कॉस्ट रहता है, और उसमें हमारा इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 5% का, तो 2 रुपीज़ प्लस 5% मतलब 2.1 रुपीज़ अभी हमारा नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट रहेगा पर यूनिट। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट रहेगा हमारा पर यूनिट, यानी कि अगर हमारा अब तक 2 रुपये था तो सर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो सर बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट का रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 3,50,000 था हमारा 75% पे, और वेरिएबल कॉस्ट उसमें कितनी आएगी सर, 75,000 × 2 मतलब 1,50,000 रुपये हमारा क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था, तो 2,00,000 रुपीज़ हमारे लिए क्या होगा, फिक्स कॉस्ट रहेगा। नाउ देखते हैं, तो सर फिक्स कॉस्ट ओवरहेड्स में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी हो 10% से बड़े हैं। मतलब 2,00,000 की जगह पे अभी हमें 2,20,000 का पेमेंट करना रहेगा। मतलब टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है फिक्स वो कितना होगा, 2,20,000 रहेगा जो आपका फिक्स रहेगा, एंड जो वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा, 2.1 फॉर 85,000 यूनिट्स हमारा रहेगा, 1,78,500। तो टोटल हमारा फिगर आएगा 3,98,500 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरिएबल आ गया 178,500 और फिक्स आ गया आपका 220। हमने यहाँ पे दोनों का टोटल कर दिया तो 3,98,500 आएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं 178,500 एंड 220। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर कौन सा हमें दिया हुआ है, तो हमें दिया है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स में कितना होगा, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड्स दिए गए हैं 160 एंड 160, सर ये तो तीनों लेवल पे आपके सेम ही है। ओके, उसमें आपको 10% को इंक्रीज़ करना है, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ओके सॉरी सेलिंग ओवरहेड्स हमें यहाँ पे दिए हैं 320, 360 एंड 4 लैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 75% पे आपका 4,00,000, 65% पे आपका 3,60,000, मतलब 4,00,000 माइनस 3,60,000 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 40,000 का डिफरेंस आया। अब ये जो 40,000 का डिफरेंस आया, तो सर टोटल यूनिट्स में कितना डिफरेंस आया, अगर मुझे कोई भी चीज़ का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो मुझे सिंपली वही करना होगा, भाई टोटल जो भी आपकी कॉस्ट है बराबर उसका डिफरेंस ले लो और डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स का डिफरेंस ले लो, तो आपको मिल जाएगा भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा। तो सर यहाँ पे डिफरेंस इन अमाउंट आ गया आपका 40,000 डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स कितना आएगा, तो सर 75,000 माइनस 65,000 मतलब 10,000 का आपका डिफरेंस आएगा। तो सर यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 4 रुपीज़ पर यूनिट रहेगा, जिसमें आपका इंक्रीज होना है 8% से। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स जो भी है, ये 40,000 का अमाउंट का डिफरेंस, ये 10,000 का आपका यूनिट्स का डिफरेंस, और 4 रुपीज़ आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें हमें 8% का इंक्रीमेंट करना है, मतलब हो जाएगा आपका 4.32। तो 4 रुपीज़ एंड 32 पैसा होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो सर फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट करना है, सेलिंग की अगर बात करते हैं तो सर उसमें 15% का इंक्रीमेंट हमें करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स होने चाहिए। तो फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स कितने होंगे, तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स कितने थे हमारे पास, टोटल ओवरहेड्स कितने थे सेलिंग, उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सर ये रहा हमारे पास, ये सर हमारे पास 4,00,000 रुपये का टोटल कॉस्ट था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 4 रुपये के हिसाब से 75,000 यूनिट्स का, हम यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे, फोर लाख रुपीज़ था टोटल कॉस्ट, उसमें से हमने माइनस कर दिया सर वेरिएबल कॉस्ट कितना था 3,00,000 रुपीज़, तो डिफरेंस आ गया हमारा
1 लाख रुपीज़ का। अब ये 1 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा फिक्स सेलिंग ओवरहेड है, उसके अंदर मुझे 15% का इंक्रीमेंट करना है, तो प्लस 15% अगर मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1,15,000। यानी कि ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1,15,000 फॉर फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स। तो फिक्स में आ गया 1,15,000 और वेरिएबल में कितना आएगा, 4.32 पर यूनिट 4.32 × 85,000 का हमारा प्रोडक्शन होगा, मतलब वो आएगा हमारा 3,67,200। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3,67,200 है एंड यहाँ पे फिक्स जो भी सेलिंग ओवरहेड है वो हमारा 1,15,000 दिया हुआ है। ना आगे हम बात करते हैं फिक्स एडमिन ओवरहेड्स की। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि भाई एडमिन ओवरहेड्स जो भी है उसमें तो खाली एंड खाली फिक्स में 10% का ही चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 160 160 160 हम अब तक पे करते आए हैं, तो अभी हमें 160 में प्लस कर देना है 10%, तो सिंपली हमें 176 का पेमेंट करना रहेगा। यानी कि 1,76,000 आएगा हमारा फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी है एंड फिक्स कॉस्ट भी आ चुकी है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहेगी इन चारों का टोटल 3,274,200 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी हमारी 5,11,000। अगर मैं इन दोनों अमाउंट को टोटल करता हूँ तो मिलता है मुझे 37,85,200। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर मुझे सेल्स के ऊपर 20% का प्रॉफिट चाहिए, इट मींस दैट कि मेरी जो कॉस्ट है वो 80% के बराबर है, तो 37,85,200 है सर, ये 80 के बराबर है, 80 पे इतना, तो 20 पे कितना, तो इनटू 20 डिवाइड बाई 80 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 9,46,300 जो होगा हमारा प्रॉफिट का अमाउंट। और अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ 37,85,200 के अंदर, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा 47,31,500। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये सेल्स का अमाउंट रहेगा। अब ये 47,31,500 का 25% अगर आप करना चाहते हैं, सॉरी 20% आप करते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये फिगर 9,46,300। बिकॉज ये 20% ऑन सेल्स है तो 25% ऑन कॉस्ट रहेगा, ये हमारा जनरल रूल है, इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। एनी कोई भी अगर आपको डाउट है, एनी डाउट, कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।